कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1923 के टेनेसी से। दो बेस्ट फ्रेंड रैफ और डैनी एक बाइप्लेन के पीछे खेल रहे हैं, पर ये दोनों लड़ाई खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सोल्जर की तरह प्रटेंड करते हैं। ये ऐसा प्रटेंड कर रहे हैं कि ये लड़ाई में जर्मनी से लड़ रहे हैं और वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस लड़ाई को ये बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। इतने में एक के डैडी ने आकर उसे मारना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लड़ाई कोई मजाक नहीं होती, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी, मुझे मालूम है कि लड़ाई में शामिल होना कितना बुरा होता है। वो अपने बच्चों को मारना शुरू करता है। अपने दोस्त को पिटता हुआ देख कर वो उसे बचाने जाता है। इसके बाद कहानी 1941 में पहुँच चुकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। डैनी और रैफ दोनों अब लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। मेजर जिमी के अंडर में दोनों अमेरिकन सेना में भर्ती हैं। जिमी रैफ से कहता है, तुम्हारी स्किल की वजह से हमने तुम्हें ईगल स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया है। इसके बाद डैनी और रैफ का मेडिकल एग्जाम होना है। इस कहानी में एवलिन भी है। एवलिन काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रेन में बैठी है। उसकी सहेलियाँ भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही हैं। वो जानना चाहती है कि एवलिन के लाइफ में कोई लड़का है या नहीं। एवलिन यहाँ अपनी सहेलियों को अपनी कहानी बता रही है। एवलिन दरअसल उसी लोकेशन पर नर्स है जहाँ रैफ और डैनी हैं। एवलिन फिलहाल अपने सहेलियों को बता रही है कि कैसे रैफ और उसका सामना हुआ मेडिकल एग्जाम के दौरान। रैफ उसके सामने मेडिकल टेस्ट के लिए आया। एवलिन ने रैफ को लेटर्स पढ़ने को कहा। रैफ इन लेटर्स को पढ़ नहीं पा रहा था, उसे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। एवलिन को समझते देर नहीं लगी कि रैफ को डिसलेक्सिया है। रैफ कहता है कि उसने सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत की है। एवलिन को रैफ काफ़ी हैंडसम लगा। उसकी बातों में इतनी इनोसेंस थी कि उसने रैफ को पास कर दिया। इसके बाद एवलिन से मिलने रैफ आया। उसने उसे धन्यवाद दिया। वो एवलिन को डेट के लिए पूछता है। अगले कुछ दिनों तक ये दोनों मिलते रहे। दोनों नाइट क्लब में मिले हैं, आपस में चुंबन क्रिया करते हैं, यहाँ दोनों डांस करते हैं। बाद में रैफ और एवलिन न्यूयॉर्क के हार्बर में एक पुलिस बोट में जाते हैं। इसे रैफ ने बोरो किया है ताकि वह एवलिन को इसमें घुमा सके। आज की शाम एवलिन के ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है। एवलिन और रैफ बाद में धुआंधार संभोग करते हैं। एवलिन अब काफ़ी खुश है, उसे उम्मीद है कि रैफ उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। अगले सुबह रैफ एवलिन से मिलता है और कहता है कि कल जो हुआ उससे उसका कोई अफसोस नहीं है। उसे खुशी है कि एवलिन जैसी पार्टनर उसे मिली है। एवलिन भी इसमें अपनी रजामंदी देती है। दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं। कुछ दिनों के बाद रैफ एवलिन से बताता है कि उसका ईगल स्क्वाड्रन में सिलेक्शन हो गया है, अगले ही दिन उसे जाना होगा। ये सब सुनकर एवलिन शॉक्ड रह जाती है। वो नहीं चाहती कि रैफ उसे इतनी जल्दी छोड़कर जाए। जाने से पहले रैफ डैनी से मिला है। वो डैनी से कहता है, मैं एवलिन से बहुत प्यार करता हूँ, जब तक मैं नहीं आया था एवलिन का ख्याल रखना। डैनी कहता है कि वो रैफ का इंतज़ार करेगा। रैफ की टीम जब इंग्लिश चैनल पर है तब यहाँ जर्मनी के द्वारा हमला होता है। रैफ को गोली लगी और यह खबर फैल गई कि रैफ मर गया। एवलिन को जब यह खबर मिली तब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो रैफ की याद में आंसू बहाती है। कुछ दिनों बाद डैनी एवलिन को कंसोल करने आता है। एवलिन को सहारा देते देते डैनी अब एवलिन को पसंद करने लगा है। एवलिन ने भी रैफ का चैप्टर अब क्लोज कर दिया है। अब वो डैनी को डेट कर रही है। एवलिन डैनी से मिलने उसकी लोकेशन पर भी आती रहती है। इसके बाद दोनों साथ में लंच पर जाते हैं। एवलिन की सहेलियों ने भी अपने अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं। अब एवलिन को डैनी की आंखों में प्यार दिखा। दोनों एक दूसरे को डेट करते हुए आपस में संभोग करते हैं। इस वर्ल्ड वॉर में जापान अपनी जीत के लिए मेक श्योर करना चाहता है कि अमेरिका की ऑयल सप्लाई को रोक दी जाए। इसके लिए जापान US फ्लीट पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। इधर हमें पता चला है कि रैफ जिंदा है। अचानक से यूं जब रैफ एवलिन के सामने आया तब एवलिन शॉक्ड रह गई। रैफ कहता है कि नाजियों ने फ्रांस के कुछ हिस्से कब्जे में रखे हैं, वहाँ वो महीनों तक कैद रहा, पर अब वो वापस आ गया है। वो एवलिन से शादी करना चाहता है। एवलिन यहाँ इमोशनल होते हुए ये बता देती है कि अब वो डैनी से प्यार करती है। यहाँ डैनी भी आ जाता है। रैफ को ये सब जानकर गुस्सा आया। वो यहाँ से जाकर अपने साथियों के साथ ड्रिंक करता है। डैनी यहाँ उसे मनाने आता है। दोनों में यहाँ लड़ाई होती है। रैफ कहता है कि मैंने तुम्हें उसकी केयर करने को कहा था और तुमने उसे डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की लड़ाई देखकर बाकी के साथी पीछे हट गए। डैनी अपनी सफाई देता है। अंत में रैफ उसे माफ़ कर देता है। अगले सुबह जापान ने US फ्लीट पर अटैक कर दिया है। इसके पहले कि अमेरिकन आर्मी इसका जवाब दे पाए उनकी फ्लीट यहाँ डूब गई। काफ़ी सारे अमेरिकन मारे गए।
इनमें एवलिन और रैफ के फ्रेंड्स भी हैं। रैफ और डैनी फाइटर्स प्लेन से इस हमले का जवाब देने की कोशिश करते हैं। कई जापानीज प्लेन्स को उन्होंने मार गिराया। कुछ अमेरिकन क्रू को बचाने में कामयाब भी हो गए, पर नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट के होश उड़ गए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यह अनाउंस किया है कि अब हम जापान के साथ स्टेट ऑफ वॉर में हैं। इसके बाद अमेरिका सीक्रेट मिशन को पास करता है। रैफ और डैनी को इस मिशन में भेजा जा रहा है। एवलिन रैफ से मिलने आती है। रैफ उससे नहीं मिलना चाहता। एवलिन कहती है, मैं जब तुम्हारे साथ थी तब मेरा प्यार सच्चा था, पर जब तुम्हारे आने की उम्मीद खत्म हो गई तब मैंने डैनी को पसंद किया। रैफ कहता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। एवलिन यहाँ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा डैनी का है। वो अभी भी रैफ से प्यार करती है, पर बच्चे की खातिर उसे डैनी के साथ ही रहना पड़ेगा। वो ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, रैफ से वो हमेशा प्यार करती रहेगी। ये सब सुनकर अब रैफ के दिल में एवलिन के लिए नफरत खत्म हो गई है। इन सब के बाद डैनी और रैफ को कैप्टन के पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया गया है। इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है सिल्वर स्टार का, और इन्हें सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है। रैफ डैनी से कहता है कि उसे इस मिशन से पीछे हट जाना चाहिए, एवलिन को उसकी ज़रूरत है। डैनी नहीं मानता। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यह मिशन है टोक्यो पर बॉम्ब गिराना। इसके बाद ये अपने मित्र देश चाइना में लैंड करेंगे। इस तरह इन्होंने टोक्यो पर बम गिरा दिया, पर वापस आते वक्त इनका प्लेन क्रैश हो गया। जापानी सोल्जर इन्हें पकड़ लेते हैं। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेते हैं। डैनी और रैफ अपने बचाव में गोलीबारी करते हैं। इतने में चाइनीज सोल्जर्स भी यहाँ आकर इनकी हेल्प करते हैं। इस तरह इन्होंने जापानी सोल्जर्स को मार गिराया। डैनी यहाँ बुरी तरह घायल हो गया है। अब वो मरने को है। रैफ उसे संभालते हुए कहता है, एवलिन को और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उन दोनों को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। डैनी मरते हुए कहता है कि वो बच्चा अब रैफ का है। अब रैफ को ही उसकी देखभाल करनी है। इस तरह डैनी ने दम तोड़ दिया। इन सब बातों को कुछ साल बीत गए हैं। रैफ और एवलिन ने शादी कर ली है। डैनी का बच्चा अब बड़ा हो गया है। इन दोनों ने उसे नाम दिया है डैनी। ये तीनों साथ में खेलते हुए दिखते हैं, और इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।